अगर हम सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो की हम बात करें तो पटियाला बीएफसीएल को कैसे भूल सकते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऋषि दत्तायन। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पटियाला बीएफ सीरियल की ओपनिंग टीआरपी, हाईएस्ट टीआरपी, लोएस्ट टीआरपी और क्लोजिंग टीआरपी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ये जो सीरियल है पटियाला बीएफ एशिया स्टार्ट हुआ था 2018 में सोनी टीवी पर। इस शो में हमको देखने को मिला था परिधि शर्मा, अश्नूर कौर, अनिरुद्ध देव, ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार इस शो में हमको देखने को मिला था। इस शो की हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड की, वो है 349 एपिसोड। और इस शो की हम बात करें जो फाइनल एपिसोड, वो टेलीकास्ट हुआ था 27 मार्च 2020 में। अभी हम बात करेंगे इस शो की परफॉर्मेंस यानी टीआरपी। इस शो की हम परफॉर्मेंस की हम बात करें, इस सीरियल का जो ओपनिंग टीआरपी था वो था 0.6। तो सीरियल ने जो ओपनिंग लिया था वो एक डिसेंट ओपनिंग था, इतना कुछ खास नहीं था, एक एवरेज टीआरपी था इस सीरियल की। और हाईएस्ट टीआरपी की हम बात करें वो है 1.0। तो देखिए टीआरपी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि हमको पता है सोनी टीवी पर टीआरपी इतना ज़्यादा नहीं आता है जो वीकडेज वाले शो से, लेकिन इस शो का बहुत ही अच्छा टीआरपी आता था। क्लोजिंग टीआरपी की हम बात करें वो है 0.4 और लोएस्ट टीआरपी की हम बात करें वो भी है 0.4। तो हम देखे सीरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस सीरियल का जो स्टारकास्ट की जो एक्टिंग था या स्टोरी लाइन था बहुत ही अच्छे तरह से दिखाया गया था। और परिधि शर्मा ने बहुत सालों के बाद इस शो से डेब्यू किया था टेलीविजन पर, तो ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और इस सीरियल हमको 8:30 के टाइम स्लॉट पर देखने को मिला था। क्या आप लोगों ने देखा था इस शो सोनी टीवी पर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।